तो अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर? लास्ट लेक्चर में हमने लॉग कंप्लीट किया था। तो आप लोगों को लॉग समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट प्रोबेबिलिटी कराएंगे क्या? अभी हम पहले आज काउंटिंग सीखेंगे, काउंटिंग के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। ओके सर। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा काउंटिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, तो काउंटिंग में हम बेसिकली सिर्फ काउंट ही करते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर काम को करने के नंबर ऑफ वेज काउंट करने होते हैं। अब वो काम कैसा भी हो सकता है, वो काम ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि एक वर्ड है और उस वर्ड के लेटर को अगर मैं अरेंज करूँगा तो कितने वर्ड बन सकते हैं, वो काम ये भी हो सकता है सिंपली कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं या 3 के मल्टीपल हैं या 3 के मल्टीपल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम को कुछ भी काउंट करने के लिए बोला जा सकता है। तो काउंटिंग इज समवॉट इजी, बट इन सम केसेस इट इज नॉट वेरी इजी, इट रिक्वायर्ड सम क्लेवरनेस, सम थिंकिंग। ओके, तो आज हम काउंटिंग के बारे में देखते हैं। अब आप इस तरह से बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास फाइव सर, जो कल कल के टेस्ट में सर वही आएंगे, मतलब जो सारे चैप्टर सर जो भी आपने कराए हैं। ओके सर। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन make sock shoe combination if he has five pair of socks and 3 pair of shoes? Sir, done. Sir, done. बाकी लोग करें। और किसी ने किया?
सर एक सेकंड पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। सर डन। तो सर डन। ये देखते हैं। ओके तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बड़े ध्यान से हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और हमें क्वेश्चन में क्या करना है एग्जैक्टली में हम भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है ये हम नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से। हमारे पास क्या है, फाइव पेयर ऑफ सॉक्स हैं और थ्री पेयर ऑफ शूज हैं। ओके और हमको सॉक्स शू का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितने तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हमको ये बता, हमको ये बताना है। तो जैसे सपोज करिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले नेम देते हैं। तो जो सॉक्स के पेयर है हम उनको नेम देते हैं। तो सर, वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे कि मैंने मान लीजिए ये सॉक्स के नेम है इस तरीके से, सॉक्स जो पेयर ऑफ सॉक्स हैं वो है वन, या फिर नाम देता हूं एक्स वाई जेड डब्लू एंड यू। और जो शूज हैं, जो शू पेयर हैं उसको नाम देता हूं ए बी एंड सी। अब मुझे ये बताना है कि मैं कितने तरीके से एक सॉक और शू का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं एक पेयर ऑफ सॉक्स चूज करता हूँ। तो मैं पेयर ऑफ सॉक्स को मैं चूज करूँगा, तो जैसे सपोज करिए कि मैंने पेयर ऑफ सॉक्स को चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या है, नंबर ऑफ वेज टू पिक अप अ पेयर ऑफ सॉक्स। बताइए कितने नंबर ऑफ वेज हैं सर? फाइव। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू पिक अप है, पेयर ऑफ सॉक्स इज फाइव। अच्छा, पेयर ऑफ शूज को पिक करने के नंबर ऑफ वेज क्या हैं सर? थ्री। ठीक है, वो है थ्री। तो अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, कॉम्बिनेशंस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस सर 15 रेज सॉक्स शू कितना आएगा सर? 15 मतलब 5 × 3। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पर, एडिशन क्यों नहीं किया, 5 + 3 क्यों नहीं करा सर? क्योंकि हर एक जो सॉक्स का पेयर है सर, सपोज एक्स के साथ हम बना रहे हैं तो सर वो तीन पेयर बनाएगा, एक्स ए एक्स बी और एक्स सी। तो सर एक सॉक्स से सर तीन पेयर बन, मतलब तीन बन सकते हैं, तो वैसे ही सर 5 से तो 5 × 3 बनेंगे ना? बिल्कुल सही, क्योंकि हम अगर मैंने मान लीजिए एक सॉक्स को फिक्स कर दिया, मान लीजिए मैंने x एक पेयर ऑफ सॉक्स लिया, तो अगर x पेयर ऑफ सॉक्स लूंगा तो फिर मैं x के साथ पेयर ऑफ शू ए भी ले सकता हूँ, b भी ले सकता हूँ और c भी ले सकता हूँ। गेटिंग इट? सिमिलरली जब मैं y लूंगा तो y के साथ भी a ले सकता हूँ, b ले सकता हूँ और c ले सकता हूँ। मतलब क्या है कि सॉक्स के एक चॉइस के लिए, एक सॉक्स की चॉइस के लिए, सॉक्स की एक चॉइस के लिए मेरे पास शूज की 3 चॉइसेस हैं, लेकिन सॉक्स की मेरे पास टोटल 5 चॉइसेस हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, 5 × 3 = 15। यस सर। लॉजिक और नॉट? यस सर।
देखिए आपको ये लॉजिक को अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और कहीं पर हम एडिशन करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ एडिशन करना है। सर एक बार सर हाँ क्या लॉजिक बता दो सर एक बार फिर से सर प्लीज। देखिए लॉजिक दोबारा सुनिए, देखिए हमारे पास क्या है, फाइव पेयर ऑफ सॉक्स हैं, हमने उनको नेम दे दिया ए एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू, और जो थ्री पेयर ऑफ शूज हैं उसका नेम दिया ए बी एंड सी। हमें क्या करना, क्या क्या काम करना है, शॉक और शू का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सॉक और शू का हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने एक पेयर ऑफ सॉक्स को चूज किया, सपोज करिए कि हमने एक्स को चूज कर लिया। जब मेरे पास एक पेयर ऑफ सॉक्स आ गए तो अब मैं पेयर ऑफ शूज को चूज करना चाहूंगा, तो जब मैं पेयर ऑफ शूज के पास जाऊंगा तो मेरे पास थ्री ऑप्शंस हैं, तो मैं एक्स के साथ या तो ए को भी पिक कर सकता हूँ, एक्स के साथ बी को भी पिक कर सकता हूँ, और एक्स के साथ सी को भी पिक कर सकता हूँ। तो यानी कि जब मैंने पेयर ऑफ सॉक्स एक्स को चूज किया था तो कॉम्बिनेशन बने मेरे पास थ्री, लेकिन हो सकता है कि मैं पेयर ऑफ सॉक्स में अगर वाई भी चूज कर सकता था, तो अगर मैं वाई चूज करता तो फिर से तीन कॉम्बिनेशन बनते। सिमिलरली अगर मैं जेड चूज करता पेयर ऑफ सॉक्स तो फिर से तीन कॉम्बिनेशन बनते, जेड ए जेड बी एंड जेड सी। ओके, तो इसका मतलब यह है कि सॉक्स की एक चॉइस के लिए मेरे पास शू को पिक करने की थ्री चॉइसेस हैं। ये लॉजिक ध्यान से सुनिएगा, सॉक्स को चूज करने की एक चॉइस के लिए शूज को पिक करने की थ्री चॉइसेस हैं, लेकिन सॉक्स को चूज करने की टोटल चॉइसेस फाइव हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई कॉम्बिनेशन के लिए, फाइव मल्टीप्लाई थ्री दैट इज 15। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। आगे अगर हम लिमिट लगा दे कि सर ये वाला पेयर इसके साथ नहीं आ सकता, तो सर कम हो जाते हैं, सर उसमें एडिशन करना पड़ता है। नहीं, वो रेस्ट्रिक्शन आ गई, दैट इज अ डिफरेंट केस। इफ यू हैव सम अदर रेस्ट्रिक्शंस देन यू हैव टू कंसीडर देम टू, वो प्रॉब्लम अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, फिलहाल आप इस लॉजिक, आपने वही तो बोली होंगी प्रोबेबिलिटी में एडिशन वाली। बेटा तुम बस स्लो स्लो चलो, यू विल नो एवरीथिंग एट द राइट टाइम। ओके ओके सर। हाँ तो देखिए, चलिए अब मैं आपको एक प्रॉब्लम और कराता हूं। बताइए सर, शॉर्ट एंड की सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, मेरा थोड़ा वेट कर लिए, हो जाएगी ठीक सर। डन सर, डन सर, मेरे पास तो एंड तक ही है अभी आपके पास की। सर शॉर्ट्स एंड के आगे क्या है? शॉर्ट एंड टाई आउटफिट्स कैन आई मेक? सर डन सर डन सर डन।
सर डन तो डेट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन. हमारे पास 6 शर्ट्स एंड 5 टाइज हैं और हमें शर्ट और टाई का आउटपुट बनाना है. तो शर्ट को पिक करने के 6 चॉइसेस हैं और टाई को पिक करने के 5 चॉइसेस हैं और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 6 × 5 डेट इज 30. ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर. यस सर. ओके, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? वाई आर वी डूइंग मल्टीप्लाई? सर आपने फ्लाइट के बाद क्या लिखा है? वो फ्लाइट्स एंड सर डन तो इस बार क्या आंसर आया आप लोगों का? तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करा इस बार? नो सर. नो सर. नो सर. मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा सर? क्योंकि इस बार हमें अरेंज नहीं करना है. Yes, देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस बार उसे कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है.
यस सर। जब हमको जब हमारे पास चॉइसेस इंडिपेंडेंट होती हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास चॉइसेस इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर उसने फ्लाइट को चूज कर लिया तो वो ट्रेन को चूज नहीं करेगा, गेट दिस पॉइंट। और अगर उसने ट्रेन को पिक कर लिया तो वो फ्लाइट को पिक नहीं करेगा। यस सर। इसका मतलब हमारे पास जो दो ऑप्शन हैं फ्लाइट और ट्रेन के, उन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को अवेल करना है। ओके तो हम ऐसे केस में जाहिर सी बात है ट्रेन और फ्लाइट के कॉम्बिनेशन तो बनाएंगे नहीं। अगर ऐसा होता कि मान लो उसे पहले पुणे से दिल्ली फ्लाइट से आना है, फ्लाइट से आना होता है, दिल्ली से गोवा ट्रेन से जाना है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होता कि पहले वो फ्लाइट से आएगा दिल्ली तक और दिल्ली के बाद वो ट्रेन से जाएगा गोवा तक, तो हम मल्टीप्लाई करते, फिर हमको फ्लाइट और ट्रेन के कॉम्बिनेशन बनाने होते। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे डायरेक्टली पुणे से गोवा जाना है एक ही बार में। तो उस केस में हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं फ्लाइट के लिए और 7 ऑप्शंस हैं ट्रेन के लिए, तो टोटल ऑप्शंस जो उसके पास बन जाते हैं 5 + 7 दैट इज 12। ओके यस सर। तो यहां पर दिस टाइम वी नीड टू पिक अप फ्लाइट और, ये और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ट्रेन। या तो हमें फ्लाइट और ट्रेन, ट्रेन या फ्लाइट में से एक चीज को पिक करना है। तो जब भी और आएगा तो हम प्लस करते हैं, और जब भी एंड आएगा तो हमको सब वो मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहां पर हमें यह करना था शर्ट एंड टाई दोनों को पिक करना है। वी नीड टू पिक शर्ट एंड टाई, गेटिंग दिस। जब हमें एंड आ रहा है तो मतलब हमें दोनों काम करने हैं, तो हम वहां मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम वहां पर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, शर्ट एंड टाई, शर्ट और टाई के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आर यू गेटिंग इट? जैसे मैं बोलता हूँ रेस्टोरेंट एंड मूवी, रेस्टोरेंट जाऊंगा पहले मूवी जाऊंगा फिर रेस्टोरेंट जाऊंगा, तो मूवी और रेस्टोरेंट दोनों जगह जाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मूवी और रेस्टोरेंट के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मूवी और रेस्टोरेंट, मूवी जाऊं या रेस्टोरेंट जाऊं, और आ गया ओ आर और, या एक काम करना है तो एक काम करना है तो कॉम्बिनेशन नहीं बनाऊंगा, फिर मैं एडिशन करूंगा क्योंकि चॉइसेस ऐड हो गई। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यहां पर एंड है या फिर और है। अगर एंड है तो मल्टीप्लाई होगा, और है तो एडिशन होगा। ओके, इमेजिन करके उस सिचुएशन में अपने आप, सिचुएशन को एग्जैक्टली आपको अपने माइंड में पिक्चराइज करना होगा, एग्जैक्टली में जो हो रहा है प्रॉब्लम के अंदर एग्जैक्टली में वही करना है आपको भी। सपोज करिए आप ही हैं वो पर्सन और आप ही वो काम कर रहे हैं, इस तरह समझिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और देखें। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं।
सर डन सर डन सर डन सर डन सर वो आपने लेटर उसके पहले क्या लिखा है डिस्टिंक्ट सर नहीं हुआ अभी सर आप ऑप्शन दे रहे हो सर स्क्रीन फ्रीज सर आप लिख रहे हो क्या सर स्क्रीन फ्रीज हो गई देखो ये मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है आपको इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अभी तक मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करी है तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए ट्राई करिए अपने आप स्क्रीन ठीक हो जाएगी अभी सर इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब मैं हम किसी भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं हाँ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नॉर्मल है सर डन 15 कितना आंसर आएगा आपको बताइए सर 60 यस सर 60 ओके और कोई सर 60 यस सर सेम क्योंकि सर 5 लेटर्स है ना एनीवन एल्स नो सर ओके थोड़ा और सोचिए अभी आप थोड़े से रॉन्ग हैं सर 16 नहीं है ना सही आंसर सर 15 है क्या फिर आंसर सर 15 है क्या सर मुझे तो 15 लग रहा था पहले नहीं 15 भी आंसर नहीं है और 60 भी नहीं है नहीं एट No. Sir, 120, is it the right answer? No. मैंने कहा ना सिचुएशन को बनाइए पहले आप लेटर बॉक्सेस बनाइए लेटर्स बनाइए सर 75 सर जस्ट अ सेकंड खुद ही लेटर को खुद डालिए लेटर बॉक्सेस में लेटर को पोस्ट करिए सर 3 raised to the power 5 एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर देखे तो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लेटर बॉक्सेस हैं तो आपने लेटर बॉक्सेस बना लिए आप काउंटिंग की प्रॉब्लम है सिचुएशन को पिक्चराइज करने की कोशिश करिए पिक्चराइज करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी विजुअल एड इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जैसे मान लीजिए लेटर बॉक्सेस हैं इनको नेम दे दीजिए B1, B2 एंड B3 तो ये 3 लेटर बॉक्सेस हैं अब आपके पास 5 लेटर्स हैं तो 5 लेटर्स इनको भी नेम दीजिए L1, L2, L3, L4, L5 अब आपके पास ये सब लेटर्स हैं तो आप L1 को लेके जाएंगे और L1 के पास हाउ मेनी चॉइसेस यहां भी जा सकता है L1 L1 यहाँ भी जा सकता है सर यहाँ भी जा सकता है तो L1 जो लेटर है इस लेटर के पास 3 चॉइसेस हैं तो मैं लिख लिया 3 L1 के लिए 3 चॉइसेस अब L2 है तो L2 के पास भी 3 चॉइसेस हैं आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस सर तो अगर L2 के पास भी 3 चॉइसेस हैं
तो फिर L2 के लिए भी थ्री चॉइसेस। अब बताइए क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए या फिर एडिशन करना चाहिए? एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ओके देखिए अब इस तरह सोचिए, क्या आपको L1 और L2 पोस्ट करना है या L1 एंड L2 पोस्ट करना है? L1 एंड L2 करना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको दोनों काम करने हैं, L1 को भी पोस्ट करना है एंड L2 को भी पोस्ट करना है। इन दोनों में से एक लेटर पोस्ट करना होता तो फिर प्लस आता। अंडरस्टैंडिंग? ओके सर। अब L3 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? सर थ्री। सर अगेन थ्री चॉइसेस, फिर से मल्टीप्लिकेशन ही आएगा ना। आप तो थ्री पावर फाइव और डेट इज इक्वल टू 243। यस सर 240। समझ में आ गया? यस सर देखो मुझे L1 एंड L2, क्योंकि मुझे दोनों लेटर को पोस्ट करना है, दोनों में से कोई एक लेटर पोस्ट नहीं करना। आई हैव टू पोस्ट बोथ द लेटर्स L1 एंड L2। तो जब भी एंड आ रहा है दोनों काम करने, इसका मतलब दैट इज मल्टीप्लीकेशन, वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो सर। इसमें हम ऐसे क्यों नहीं देखेंगे सर, जैसे बॉक्स B1 है तो उसमें कितने लेटर्स चल सकते हैं सर? 5 सर। फिर बॉक्स B2 में 4 या बॉक्स B3 में 3 और सर फिर किसी और में सर 2 चॉइसेस हैं, तो सर हम ऐसे करके क्यों नहीं इसको कर सकते? देखो अगर तुमने ऐसे करा कि बॉक्स B1 के लिए 5 चॉइसेस हैं और फिर तुमने बोला बॉक्स B2 के लिए 4 चॉइसेस हैं और फिर तुमने बोला बॉक्स B3 के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो ये जो काउंटिंग है इसके अंदर जो तुमने B1, B2 और B3 के लिए काउंटिंग करी है, ये तीनों काउंटिंग एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि इस काउंटिंग के अंदर एक अजम्पशन तुमने लेकर चला है जिससे ये इंडिपेंडेंट नहीं बन रही है। क्या? कि तुमने बॉक्स B1 को लिया और तुमने बोला B1 के लिए 5 चॉइसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स B1 में तुम कितने लेटर पुट करने वाले हो? 5 लेटर्स, 4 लेटर्स, 3 लेटर्स, 2 लेटर्स, 1 लेटर, हाउ मेनी? क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि B1 पर कितने लेटर आप डालने वाले हो, तब आपको ये कैसे पता चलेगा कि B2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? Are you getting my point? Yes. मतलब जो B2 की चॉइस है वो B1 की चॉइस पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। सर, हर एक बॉक्स के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि किसी भी बॉक्स में कितने भी लेटर जा सकते हैं। अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किसी भी बॉक्स में कितने, सिर्फ एवरी बॉक्स कैन कंटेन ओनली वन लेटर, अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दूं तो तुम्हारा मेथड सही हो जाएगा, तो मैं केवल 3 लेटर पोस्ट कर सकता हूं और तुम्हारा वाले मेथड से आंसर ठीक आएगा। अंडरस्टैंडिंग सर? बट फिर इसमें गड़बड़ कहां है सर? अगर हम एक बॉक्स के लिए 5 चॉइसेस हैं, दूसरे बॉक्स के लिए 5 है, तीसरे बॉक्स के लिए 5 है, तो नहीं है ना सर? क्यों? पहले वाले बॉक्स के लिए चॉइसेस 5 नहीं है भाई, चॉइसेस 5 तब है जब तुम एक लेटर पिक कर रहे हो केवल 5 में से। अगर पहले वाले बॉक्स में अगर मान लो तुम्हें 2 लेटर पिक करने हैं तो चॉइसेस आर नॉट 5। यस सर, कभी 5 डाल सकते हैं, कभी 4, कभी 3, कभी 2। हाँ एग्जैक्टली तुम्हारा फिर तुम्हें उसमें B2 पर कैसे बताओगे कि B2 के लिए कितने लेटर बचे? It requires a lot of case work. तो ये method इसलिए work नहीं कर रहा है। Okay sir. ठीक है? मतलब पहले वाले में अगर मैंने 5 डाल दिए तो दूसरे में 3 डालूंगी, तीसरे में 2। अच्छा। sir, पहले वाले में 5 लेटर डाल दोगे तो फिर तुम्हारे पास लेटर बचेंगे क्या? Yes sir. चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए।
इफ नॉट ऑल लेटर्स आर इन द सेम बॉक्स. सर सारे लेटर्स एक बॉक्स में नहीं हो सकते, लेकिन सर एक बॉक्स में दो लेटर्स तो हो सकते हैं ना, दो तीन चार. हाँ हाँ ये करेक्ट. ओके तुम्हें ये सोचना है कि पार्ट वन का आंसर है, पार्ट वन के आंसर में ऐसे कितने केसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो उतने केसेस माइनस कर दो तो आपको पार्ट टू का आंसर मिलेगा. पार्ट वन में जो वर्क किया है उस वर्क को यूज करो. ओके सर. सर आंसर 240 है क्या? यस सर सेम आंसर. सेम आंसर यस सर 240 क्योंकि सर हम फिफ्थ वाले की चॉइस. ओके 240 यस सर 240 फिफ्थ वाले की चॉइस रखते ही ये सारे पूरे हो जाएंगे. देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में ये निकाला था कि हम भाई थ्री लेटर्स फाइव लेटर्स को थ्री बॉक्सेस के अंदर 243 वेज से प्लेस कर सकते हैं. दे आर 243 वेज टू पुट फाइव लेटर्स इनटू थ्री बॉक्सेस. अब हमको ये बताना है कि इन 243 वेज में से ऐसे कितने वेज हैं When all the letters are in just one box, तो बताइए. Sir, three cases. Three ways. How do you know this? Sir, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस बॉक्स में रखेंगे. Sir, तीन boxes हैं तो तीन ways होंगे. Exactly. क्योंकि या तो सब letter B1 में जाएंगे, या तो सब letter B2 में जाएंगे, या फिर सब letter B3 में जाएंगे. They are the only three ways. जब ऑल द लेटर्स आर इन जस्ट वन बॉक्स तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 243 माइनस 3 क्योंकि हमने ये थ्री वेज को सबट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये वेज, हमें ये वेज हमने सबट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 240. गेटिंग दिस पॉइंट ऑर नॉट? यस यस सर. ठीक है ठीक है. ओके ग्रेट. तो आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए. पोस्ट कर दिया तो वो पूरे हो जाएंगे, इस वजह से हम वो वाली थ्री पॉसिबिलिटीज हटा देंगे. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन हाउ मैनी वेज
कैन आई स्टैक फाइव बुक्स सर? वो आपने फाइव लिखा है सर? डन सर, डन सर, डन। ओके फाइन। सर क्वेश्चन केवल फाइव बुक्स तक ही है क्या? हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस डेकोरेशन बढ़ा रहा हूँ मैं। सर डन सर डन सर डन। ग्रेट सर। क्या आंसर है आप लोगों का? सर 25। ओके सर 120। सर 120 120। ओके सर 25 तो फाइव बुक्स के लिए था सर, ये राइट लेफ्ट वाला भी। नहीं नहीं उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बुक के वाले क्वेश्चन को डिटेल कर दिया मैंने, लॉजिक सेम है। मुझे लेफ्ट से राइट में बुक रखनी है, थोड़ा डिटेल तरीके से बता दिया है। राइट में लेफ्ट राइट नहीं भी लिखूंगा तब भी लॉजिक सेम ही रहने वाला है। तो सर कितना आएगा आंसर? तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या है सर? अगर एक बुक को हम पास पहले प्लेसेस बनाओ, मेक फाइव प्लेसेस, राइट फाइव बुक्स, नेम ऑफ द बुक B1 B2 B3 B4 B5 और फिर बुक को प्लेस पर बैठाओ। सर प्लीज वेट करते हैं एक मिनट। बुक वन के लिए कितने, जैसा हमने लेटर्स को बैठाया था ना, लेटर्स को हमने पुट किया था, ऐसे बुक को पुट करो और चेक करो B1 के लिए कितने प्लेसेस हैं, B2 के लिए कितने प्लेसेस हैं, इस तरीके से। ओके सर। सर फाइव प्लेसेस फॉर Which book? For one book. Okay, for book one. उसको बोलो for book one, B1, book B1 के लिए बोलो, specific बोलो. B1. अब book B2 के लिए कितने places हैं? Five. तो five raised to the power. एक मिनट, एक मिनट. Book B2 के लिए five places कैसे बन जाएंगे? क्योंकि हमारे पास box नहीं है कि हम एक box में दो book डाल दें. एक place पर केवल एक ही book आ सकती है. Okay sir. तो sir अगर book वन के लिए फाइव है मतलब सर आप ही बता दीजिए। देखिए 120 इज द राइट आंसर। देखिए आपने पहले फाइव प्लेसेस बनाए, दीज आर द फाइव प्लेसेस। यस सर। 1 2 3 4 5 और बुक्स के नेम आप लिख लीजिए, बी स्पेसिफिक विद बुक्स। यस सर। अब जो फर्स्ट बुक है B1 है, इस B1 के लिए आपके पास फाइव प्लेसेस एम्प्टी हैं। यस सर। तो आपने B1 को फाइव प्लेसेस से आपने कहीं पर प्लेस कर दिया। हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बुक B1 कहां प्लेस हुई। चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम भी कर लेते हैं कि बुक B1 मान लो यहां पर आ गई, तो बुक B2 के लिए कितने प्लेसेस बचे? दैट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन इन एंड द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम में बॉक्सेस थे, अगर एक लेटर किसी बॉक्स में चला गया तो उस बॉक्स में सेकेंड लेटर भी जा सकता था। दैट इज दिस पॉइंट। यस सर। लेकिन यहां पर बॉक्सेस जैसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं
जब भी आपके साथ पास प्रॉब्लम आ रही है पीएनसी की, तो हमेशा उस प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करिए, डायग्राम बनाइए, छोटा सा पिक्चर बनाइए। यस सर, इसलिए 120 आया। हाँ, इसलिए यू विल गेट अ वेरी नाइस हेल्प। तो उससे क्या होगा कि जब आप डायग्राम बना देंगे और आप अपने आप को उस जगह पर रख देंगे, अपने आप को प्लेस करिए कि वो काम आप ही कर रहे हैं, यू विल गेट अ वेरी क्विकली फील ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट राइट आंसर। तो बी टू के लिए आपके पास फोर ऑप्शन हैं, फोर प्लेसेस हैं, तो फोर आएगा। अब ये बताइए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा कि एडिशन आएगा? व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे दोनों को प्लेस करना है, बी वन एंड बी टू दोनों को प्लेस करना है। यस सर। ओके, तो इट इज 5 × 4। और बी थ्री के लिए कितने ऑप्शन है? थ्री। ध्यान रहे, क्योंकि अब बी टू भी आ गया कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल मान लो बी टू यहाँ पर आ गया, तो फिर बी थ्री के लिए 3 ऑप्शन, फिर बी फोर के लिए 2 और 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर, स्टैक का मतलब क्लियर कर देंगे क्या? स्टैक का मतलब शेल्फ्स है उनके अंदर। स्टैक मतलब कि एक रो में लगी हुई है सारी बुक। ओके सर। हाँ, बोलते हैं ना स्टैक ऑफ बुक्स, इट इज अ स्टैक ऑफ बुक्स। यस सर। यस सर, लेट मी राइट। तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। यस सर। डन। ओके, तो मैं इसी प्रॉब्लम को अब जनरलाइज कर देता हूं। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को जनरलाइज कर रहा हूं, मैं 5 बुक्स की जगह n बुक्स लेता हूं। ओके, तो डू द लास्ट प्रॉब्लम फॉर n बुक्स। सर, आंसर n फैक्टोरियल आएगा ना? बाकी लोगों को करने दो सर n। जिन लोगों को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है, परेशान ना हो, आप अपना आंसर निकालें। सर n। सर डन। सर डन। किया बाकी लोगों ने? यस सर। यस सर। क्या बताया तुम लोगों? यस सर। सर, n into n minus 1 into n minus 2 और n minus 3 लास्ट का into 1। सर, n and all smaller numbers than n। हाँ। यस सर। प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। यस सर। डोंट फॉरगेट टू टेल मी दैट दिस आर द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे तो आप पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं उन नंबर्स के साथ। सर, एक प्लेस कम होता चला जाएगा एन जितना। yes, तो आप आपने एन प्लेसेस बना ली, सपोज करिए ये आपकी एन प्लेसेस हैं। यस सर। ओके, 1 2 3 एंड अप टू एन, ये एन प्लेसेस हैं एंड यू हैव एन बुक्स B1 B2 अप टू BN। तो आप पहली बुक्स B1 को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज एन, B2 को प्लेस करने के नंबर n minus 1, B3 n minus 1, n minus 2, and so on. Second last book को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज 2 और last book को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज 1। यस सर। तो ये जो प्रोडक्ट आया, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये प्रोडक्ट क्या आया? n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, मतलब ये 1 से लेकर n तक का, 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट है ये।
और इस प्रोडक्ट को लिखने का एक बहुत ही फैंसी तरीका है, आप लोग जानते हैं वो तरीका क्या है? यस सर, एन फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह लिखते हैं, हम इस प्रोडक्ट को लिखते हैं ऐसे एन और इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन बना देते हैं और इसको रीड करते हैं एन फैक्टोरियल। क्या रीड करते हैं इसको? एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। दैट इज दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, बट सर वो रिप्रेजेंट क्या करता है हर बार? रिप्रेजेंट ये करता है कि एन फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर एन तक सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। इट इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट वे टू राइट दिस प्रोडक्ट। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। इट इज जस्ट अ नोटेशन, जस्ट अ मेथड टू राइट सम बिग नंबर in a shorter way. There is nothing to panic with it. Okay? Maths के अंदर हम symbols का use इसीलिए करते हैं ताकि हम बड़े-बड़े expressions को एक छोटे से symbol से express कर सकें। हमारा time और हमारा space दोनों बचता है, हमारी understanding उससे और better हो जाती है। Understanding this point? Yes sir. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए what is the value of 5 factorial? What is the value? बताइए, tell me. 7 अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। वी हैव डिफाइंड, वी हैव डिफाइंड 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। सो व्हाई? व्हाई? हाँ, यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई हैव यू डिफाइंड दिस नंबर? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन हम आपको अभी नहीं बताएंगे व्हाई इज इट, बट वी हैव डिफाइंड, इसका मतलब हमने ये सेट कर रखा है, ये हमारी डेफिनेशन है जीरो फैक्टोरियल की। ओके सर, सो देयर इज नथिंग वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, हम वैसे यूज करेंगे जैसे हम पीछे बहुत सारे थ्योरम का बिना प्रूफ करे करते थे। हाँ हाँ, बहुत सारे थ्योरम का बिना प्रूफ, मतलब ऐसे बहुत सारे थ्योरम हमने बिना प्रूफ के नहीं पढ़ी है। आप इसको यस सर, अभी आप इसको इस तरह समझ लीजिए, जैसे कि हमने 1+1 2 बनाया तो y, ये तो हमने बनाया है ना, हमारी चॉइस है। ऐसे जीरो फैक्टोरियल को हमने 1 बनाया है क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है फैक्टोरियल की वो केवल उन ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, इट इज वैलिड ओनली फॉर द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये डेफिनेशन जीरो के लिए वैलिड, जीरो फैक्टोरियल के लिए वैलिड नहीं है। यस सर, तो हमने जीरो फैक्टोरियल को 1 सेट कर दिया है अपनी मर्जी से। कभी रिक्वायरमेंट आई जीरो फैक्टोरियल की तो हम 1 डालेंगे, हालांकि रिक्वायरमेंट बहुत रेयरली आएगी आप लोगों के लिए, जहां थोड़े से आगे आ जाएंगे 11th 10th में, उसको और डिटेल में समझ लेंगे व्हाई वी हैव सेट दिस वैल्यू। ओके सर। ओके, सो नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी हैव प्रूव्ड अ वेरी नाइस रिजल्ट व्हिच इज वेरी यूजफुल, और वो ये है कि एन बुक्स को, n बुक्स को प्लेस करने के लिए, एक रो में प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज जो है वो n फैक्टोरियल है। डू यू एग्री? यस यस सर, यस सर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या बुक्स की जगह कुछ और होता, बॉल्स होती, या बुक्स की जगह पर्संस होते, या बुक्स yes, की जगह कुछ और होता, तब भी तो आंसर n फैक्टोरियल रहता ना। यस यस, कुछ भी वेरिएबल है ना। हाँ, तो बुक्स के साथ तो कुछ स्पेशल नहीं है ना इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक जनरल तरीके से, जो हमने रिजल्ट इस प्रॉब्लम से प्रूफ किया है उसको मैं जनरल तरीके से लिख रहा हूं। यहां पर देखिएगा ध्यान से,
और वो ये रिजल्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो बेटर यू रिमेंबर इट. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज. देखो हमने बुक्स को एक तरीके से हमने एक रो में पुट किया, इसका मतलब बुक्स को हम एक रो में अरेंज कर रहे हैं ना, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स. अंडरस्टैंड? यस. तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब मैंने बुक्स को हटा दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिया. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. यस सर. पर्संस, बॉल्स, स्टिक्स, पेंस, एनीथिंग. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो. क्या बोला? इन अ रो. और वो क्या आया था हमारा, बताइए? एन पिक्टोरियल. तो इट इज अ वेरी नाइस फॉर्मूला which we have proved in the last problem, and you can remember it, and but you do not need to forget its proof, because its proof is very important. The proof is short but important. Sir, related मुझे भी है. Sir, suppose एक बच्चा, हाँ sir, इसके related मतलब equation से ही यानी कि एक question है. Sir, suppose एक boy है, वो फर्स्ट डे 9 राउंड लगाता है एक पार्क के, और उसने कहा है कि वो 30 डेज तक राउंड लगाएगा, लेकिन वो हर दिन 2 राउंड इंक्रीज कर देगा. जैसे आज उसने 9 लगाए. बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम है. ओके सर. ये प्रॉब्लम काउंटिंग की नहीं है. ओके सर. तो सर इसमें ऐसे होगा क्या, एक बार बता दीजिए. इसमें एपी बनेगी. एक एपी का, आप एपी पढ़ी है आपने? नहीं सर. सर मैंने तो ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा, तो मैंने पूछ लिया. हाँ, ये आप एपी पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर हम पढ़ाएंगे आपको एपी बहुत जल्दी. तो एपी के अंदर हम एपी का सम पढ़ेंगे, उससे प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाएगी. यू विल एबल टू डू इट वंस यू स्टडी एपी. ओके सर. ओके सर. ठीक है, तो आगे बढ़े. यस सर. यस सर. ठीक है, तो अभी हम ये चीज सीख गए हैं कि हम एन ऑब्जेक्ट्स को एक रो में कितने तरीके से अरेंज करते हैं. तो अब हम जो चीज, हम देखिए मैथ्स का यही नेचर है, पहले हम मेहनत करते हैं चीजों को बनाने में. वंस वी मेड समथिंग, वंस वी मेक सम सिस्टम, सम फॉर्मूला, सम थ्योरम, देन वी कैन अप्लाई इट. एवरी टाइम वी डू नॉट नीड टू प्रूव, बट वी हैव प्रूव वन टाइम ना. वी हैव डन अ हार्ड वर्क वन टाइम, तो वी हैव टू यूज दैट हार्ड वर्क एट व्हेन एवर वी रिक्वायर इट. Understanding this point? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चलिए, ठीक है, तो अब हम. Sir, we hard work in math for shortcuts. नहीं, there is no shortcut. Okay, hard work का मतलब shortcut नहीं है. Shortcut जैसी कोई चीज होती नहीं है maths के अंदर. सर नहीं, formula derive करते हैं, सिर्फ वो तो help करने के लिए ही होता है. That is, लेकिन formula को derive करना के बाद वो फॉर्मूला आपकी हेल्प कर रहा है, इट डज नॉट मीन दैट इज अ शॉर्टकट. शॉर्टकट इज समथिंग अ नेगेटिव वर्ड. शॉर्टकट मीन्स समथिंग यू आर बाईपासिंग, समथिंग विच इज समहाउ नॉट परसीवेबल फॉर अदर्स एंड इट इज परसीवेबल फॉर यू. यू आर कॉलिंग इट शॉर्टकट, बट शॉर्टकट नहीं बोलेंगे हम, ही बोलेंगे ये हमारी एक विजडम है, हमारे मैथमेटिशियंस की विजडम है. उन्होंने इस तरीके okay, से अरेंज किया है. ओके okay, चलिए, तो लेट्स कम टू द पॉइंट. चलिए मैं आपसे एक, आपके लिए एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, और एक प्रॉब्लम को हम करते हैं. ठीक है, इट इज अ 8 प्रॉब्लम. Just hold a minute. Sir, seventh or eighth? Sir, seventh question. Say yes, sir, seventh. Okay, seventh. Okay, sorry. How many words are possible by using all letters?
of the word equation या फिर इक्वेशन मत लीजिए, इक्विटी लिख लीजिए, इक्विटी तो हमें मीनिंगफुल वर्ड्स करने या फिर ऑल पॉसिबल। नहीं नहीं, मीनिंग से मतलब नहीं है, वर्ड्स का मीनिंग हो चाहे ना हो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल वर्ड्स बनाने हैं, दैट्स इट सर। डन। ओके सर, डन सर। वर्ड सिक्स लेटर्स ही मतलब सिक्स लेटर ही होने चाहिए या फिर सर छोटे भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऑल दिखाए है ना, ऑल देखो, ऑल लेटर्स देखो, यहाँ ऑल लिखा है। सर डन। सर डन। ओके डन सर। डन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका क्या आंसर आएगा सर? सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल। सेवन ट्वेंटी सर। आंसर आया है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। ओके ओके, देखिए इक्विटी लेटर्स के, इक्विटी वर्ड के सभी लेटर्स को यूज करना है आपको वर्ड बनाना है। कोई भी वर्ड जो बनेगा वो बेसिकली बनेगा कैसे? इन लेटर्स को आपस में अरेंज करने से, शफल करने से, ऐसे करके इन्हें आपस में अगर मैं शफल कर दूंगा तो एक नया वर्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया क्यू ई आई सर, क्यू यू वाई सर 872, ठीक है, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो क्यू ई आई टी यू वाई, तो एक नया वर्ड बन गया। तो जितने तरीके से मैं इन सिक्स लेटर्स को आपस में अरेंज कर सकता हूं उतने ही वर्ड बन सकते हैं ना। तो ये बताइए कि हाउ मैनी वेज टू अरेंज दीज सिक्स लेटर्स? सिक्स फैक्टोरियल सर 872। नो नो, आंसर इज सिक्स फैक्टोरियल, क्योंकि एक के अगली अगर 20 है तो दूसरे बचेंगी और तीसरे के लिए 4 3 2 1। नहीं बात समझ में आई क्या? आ गई। अगर आपको इसको और दूसरे मेथड से देखना है, दूसरे मेथड का मतलब दूसरा मेथड नहीं है बल्कि वो इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है, वो ये है कि आपके पास सिक्स लेटर्स हैं तो आपने सिक्स प्लेस बना लिए। ओके, यू हैव सिक्स प्लेस, तो आप ई को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज 6, क्यू को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज 5, यू को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज 4 3 2 1, that is exactly a six factorial ना। इस तरीके से हमने अपना formula proof किया था। आप चाहो तो ये logic भी present कर सकते हो। That is the same thing। Hello? Sir, sir, लेकिन आपने तो कहा था कि जरूरी नहीं कि six lettered word बनाए सर, हम कुछ मैंने ऐसा कब बोला? मैंने आपको बोला using all लिखा है, तो all letters मतलब सर six ही use करना पड़ेगा। Yes sir। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं वेन डायग्राम की। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, किस तरीके से हम लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उनसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो एन फैक्टोरियल, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले हैं। तो सिंपली रिमेंबर इट। ओके, तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ और वो कंसेप्ट है वेन डायग्राम का।
एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है? व्हाट इज अ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अ फैंसी वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. जो चीज आपको दी गई है उसे लिखने का एक बेटर तरीका, ऑर्गेनाइज तरीका, टेबल बना के. ओके, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम कैसे लिखेंगे उससे हमें हेल्प मिलती है, हमें जो काम करना है उसको हम कैसे कर सकते हैं. Yes, sir. अलग-अलग तरीके से हमको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें. एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ. ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम. The problem is there are 12 players on my basketball team. Each of them is taking a foreign language in a school. Our school only offers French and Spanish. Seven players are taking Spanish. And four of those are taking French also. सर अभी जो आपने समझाया क्या एक बार आप दोबारा समझा सकते हैं? सर मेरा लीव हो गया था. नहीं कुछ समझाया नहीं है, क्वेश्चन लिख रहे हैं. फिर कुछ नहीं बताया अभी तक आपने. इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं. ओके सर. तुम्हारा लीव हुआ किस पॉइंट पे था? क्या सर? क्या बोल रहा था मैं जब तुम्हारा लीव हुआ था? सर ये क्वेश्चन करना है हमें अभी, वेन डायग्राम बनाना है. ओके, ये क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर आई विल एक्सप्लेन इट हाउ टू डील सच प्रॉब्लम्स. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, not yet, sir. Please wait. Sir, done.
सर डन ओके तो एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम करेंगे और जो भी कुछ इसके अंदर गिवन है उसको हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से नोट करेंगे. मतलब उसको लिखने का एक ऑर्गेनाइज तरीका हमारे पास है और दैट मेथड इज यूजिंग इज बाय यूजिंग वेन डायग्राम. ओके तो वेन डायग्राम क्या होते हैं देखिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं. दे आर 12 प्लेयर्स. ओके प्रॉब्लम के अंदर जो भी हमारे काम की चीजें हम उसको पहले नोटिस करेंगे. कौन माई बास्केटबॉल टीम. ओके बास्केटबॉल टीम हमारे लिए काम का नहीं है. कोई भी टीम होती है वो तो ईच ऑफ देम इज टेकिंग फॉरन लैंग्वेज. ओके इन स्कूल आवर स्कूल ऑफर्स ओनली फ्रेंच एंड स्पेनिश. तो स्कूल जो है केवल दो ही लैंग्वेजेस को ऑफर कर रहा है फ्रेंच एंड स्पेनिश को. सेवन प्लेयर्स ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है. सेवन प्लेयर्स आर टेकिंग स्पेनिश एंड फोर ऑफ दोज जो उन सेवन है उनमें से फोर आर टेकिंग फ्रेंच एंड फ्रेंच ऑल्सो. हाउ मेनी प्लेयर्स आर टेकिंग फ्रेंच. ठीक है yes, तो देखिए तो बेसिकली दो लैंग्वेजेस है. मतलब अगर मैं स्टूडेंट को देखूं तो स्टूडेंट दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. एक वो ग्रुप है जिसके पास फ्रेंच है और एक वो ग्रुप है जिसके पास स्पेनिश है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट फ्रेंच और स्पेनिश दोनों को ही ऑप्ट कर रहे हों. सबसे पहले मैंने क्या काम करा एक सर्किल बनाया. इस सर्किल के अंदर मैं उन लोगों में इस सर्किल के अंदर वो नंबर लिखूंगा जो नंबर फ्रेंच स्टूडेंट्स का है. मतलब फ्रेंच स्टूडेंट्स कितने फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज टोटल है. हाँ टोटल टोटल फ्रेंच टोटल चाहे उनके पास स्पेनिश हो या ना हो सब बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं. टोटल फ्रेंच स्टूडेंट टोटल फ्रेंच कितने ऑप्ट किया है कितने स्टूडेंट ने फ्रेंच लैंग्वेज ऑप्ट किया है वो इस सर्किल में वो नंबर लिखा जाएगा. वो नंबर 12 11 10 5 7 जो भी नंबर आएगा वो फ्रेंच स्टूडेंट फ्रेंच लैंग्वेज जितने लोगों ने ऑप्ट किया है. सिमिलरली स्पेनिश लैंग्वेज जितने लोगों ने ऑप्ट किया है वो इस सर्किल में लिखा जाएगा स्पेनिश. अब ये जो सर्किल है लेफ्ट वाला वो स्पेनिश फ्रेंच लैंग्वेज ऑप्ट करने वाले लोगों का सर्किल है और जो राइट सर्किल है वो स्पेनिश लैंग्वेज ऑप्ट जितने लोगों ने ऑप्ट किया है वो उन्हीं के लिए सर्किल बना है. लेकिन ये सर्किल के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है जो दोनों सर्किल्स में आ रहा है. ये जो कॉमन पार्ट है इस कॉमन पार्ट के अंदर वो नंबर लिखा जाएगा जो नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट बोथ लैंग्वेजेस ठीक है. तो आइए अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इन दो सर्किल में कुछ नंबर्स लिखते हैं और वो नंबर्स कहां पर फिट होंगे हमें वो लिखना पड़ेगा कहां पर फिट होने वाले नंबर. सर इनके जो टोटल है हम वो नहीं लिखेंगे जो 12 है. 12 तो टोटल है 12 इन दो सर्किल में से कहीं नहीं आएगा बल्कि इन दो सर्किल का जो सम होना चाहिए वो 12 होना चाहिए. हां तो सर हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे ना उसके लिए जिसमें ये दोनों ही आएंगे. बट हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके सर अगर रिक्वायरमेंट कभी होगी तो हम उसको बनाएंगे लेकिन इस प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके सर यस सर. तो सेवन प्लेयर्स आर टेकिंग स्पेनिश तो ये बात ही कैटेगोरिकली बोल दिया उन्होंने कि सेवन प्लेयर्स जो हैं वो स्पेनिश ले रहे हैं. तो ये जो राइट वाला सर्किल है इसमें सेवन आएगा लेकिन एक प्रॉब्लम है अगर इसमें सेवन तो आएगा लेकिन यहां पर जो बीच वाला पोर्शन है जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ले रहे हैं वो मुझे पहले से पता होना चाहिए क्योंकि टोटल सेवन आएगा. ओके तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे क्या लिखना है ये मुझे पहले पता होना चाहिए. अगर मुझे ये पहले प्लेस मुझे भरनी पड़ेगी जो दो लैंग्वेजेस ले रहे होंगे एंड फोर ऑफ जस्ट होल्ड अ मिनट डोंट इंटरप्ट. फोर ऑफ दोज आर टेकिंग फ्रेंच ऑल्सो यानी कि चार तो वो स्टूडेंट हमारे पास हमें मिल गए जो फ्रेंच भी ले रहे हैं स्पेनिश के साथ साथ फ्रेंच भी ले रहे हैं यानी कि चार स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच और
स्पेनिश दोनों ले रहे हैं. ओके तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस बीच वाले पोर्शन को, दैट पोर्शन विच इज कॉमन. हम इस कॉमन पोर्शन को पहले भरेंगे और हम यहां भरने वाले हैं फोर. ओके अब नोटिस करिएगा, स्पेनिश जो है वो टोटल 7 प्लेयर्स ने लैंग्वेज ऑप्ट किया है, तो 4 ऐसे थे जिन्होंने दोनों ऑप्ट किया. तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, इस थ्री, क्योंकि मुझे इस पूरे सर्किल का काउंट 7 करना था, तो इस पूरे सर्किल का काउंट मैंने 7 कर दिया, कॉमन प्लेस पे 4 लिखा और बाकी 3. तो 3 वो है जिसके पास ओनली स्पेनिश है, ओनली स्पेनिश, दोज आर 3 स्टूडेंट्स. अब हमारा रोल आएगा 12 का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है और हाउ मेनी प्लेयर्स आर टेकिंग फ्रेंच, तो 7 4 प्लस 3 12 माइनस 7 7 प्लेयर्स ने, होल्ड अ मिनट, 7 प्लेयर्स ने स्पेनिश लिया है. ओके 7 प्लेयर्स ने क्या लिया है, स्पेनिश, लेकिन 7 में से 4 ऐसे थे जिन्होंने दोनों लिया है, तो यहां पर कितना आएगा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लिया है, 5 आएगा. एग्जैक्टली दीज आर द 5 स्टूडेंट हु आर टेकिंग फ्रेंच ओनली. तो व्हाट इज द आंसर, हाउ मेनी प्लेयर्स आर 9. तो टोटल जो फ्रेंच ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो है 9. ओके गेटिंग दिस पॉइंट, 5 + 4 इज इक्वल टू 9. तो 9 इज द आंसर. ये वाली बात समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी को? यस सर. नो सर. नो सर. नो डाउट. लिसन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वेन डायग्राम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू फिल दिस कॉमन प्लेस. ओके अनलेस यू नो व्हाट नंबर इज टू बी पुट हियर, you can simply set it variable like x, y. But unless you put this place, you cannot put these two places. Okay? Always remember, first place, first fill, common place. Okay? Should we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chaliye. Sir, ek baar aap wo kar denge, sir, pichli wali slide pe, sir, previous. ओके सर हो गया. ओके तो अब हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं, दैट इज आल्सो ऑन वेन डायग्राम. लेट्स सी, इट इज सर, इट इज 6 फैक्टोरियल और पिक्टोरियल. फैक्टोरियल आर आई ए एल, नहीं एफ ना, एफ नॉट पी. ओके सर. चलिए सो द प्रॉब्लम गोज लाइक दिस. There are 29 people at my family reunion. Seventeen of them are redheads. Sir, sir, it is V union. Yeah. Okay, sir. You understand reunion? Okay, reunion. Sir, मुझे लगा वो V लिखा है. Reunion. Reunion. 17 of them are redheads. Do you understand the meaning of redhead? La. Redhead means a person who has red hair. ये री हेड लिख दिया, रेड हेड है, डी है. ओके 8 ऑफ द गेस्ट्स आर चिल्ड्रन. ओके दे आर वेरी लेस चिल्ड्रन. 5 ऑफ द गेस्ट्स आर अडल्ट्स. हो who don't have red hair. Okay. How many people at the reunion?
आर रेड हेडेड चिल्ड्रन. Try this problem. Eliminate all the information which is not useful for you. So you have to see what information is useful in your context. Okay. Solve it. Sir, done. Okay. Okay. Let's. I'll do. Done. Okay. Let others do. So what is your answer? Can you please wait for a while? Okay, fine. 7 is not right answer. Attempt it again. Sir, 26. Mm-hmm. Okay, sir. Attempt it. 7. Okay. Let's do. Let others do also. Sir, 17. Sir, calculation mistake over 6 seconds, sir. Mm-hmm. Okay. Sir, wait. The 1 and answer. 1 is the right answer. Okay, let me do the problem. Sir. Listen it very carefully. Because iske andar kuch hame मिसगाइड करने के लिए भी कुछ दिया हुआ है तो हमें बचना पड़ेगा. जस्ट होल्ड अ मिनट. एक्चुअली आई मुझे इसका एक प्रॉब्लम और करानी है तो मैं एक्सप्लेनेशन अभी ले नहीं पाऊंगा क्लास में. ओके, टाइम इज वेरी शॉर्ट. 5 मिनट्स आर लेफ्ट. देखिए 29 पीपल एट अ फैमिली रियूनियन. ओ माय गॉड, ये मेरा टैब ने काम करना बंद कर दिया क्या? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके चलो फाइन. 29 पीपल at a family reunion. So total number of people is 29. It is a important number. How many total people? 29, 8 minus kar denge children's, just adults. Hold on, but... Just hold on, let me explain it slowly. Sir, answer so one. Understand. Yeah, answer is one. So yeah, please listen. 29 total persons in family reunion. 17 of them are redheads. 17 of them are redheads. 17 persons have red hair. Eight of the guests are children. तो हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं? We have a class of redhead persons. We have a class of children. And we have a class of adults. Okay. So how many people at the reunion are redheaded children? लेकिन जो कमेंट पूछा गया है वो केवल रेड हेडेड और चिल्ड्रन पे पूछा गया है. मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो केवल रेड हेडेड पर्सन एंड चिल्ड्रन में है. एडल्ट्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करना है. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक सर्किल बनाया. ये सर्किल उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो रेड हेड पर्सन हैं, रेड हेडेड. ओके, और एक सर्किल और बनाया ये चिल्ड्रन के लिए है क्योंकि हमें इन दोनों में इंटरेस्ट है.
हमसे ये हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि एडल्ट्स कितने हैं हमारे पास. एट ऑफ द गेस्ट सॉरी फाइव फाइव ऑफ द गेस्ट आर एडल्ट्स हु डोंट हैव रेड हेयर. तो यानी कि अगर मैं फाइव एडल्ट्स को माइनस कर दूं 29 में से फाइव कर दूं तो इट बिकम्स 24. तो जो 24 हमारे पास पर्संस बचे वो पर्संस या तो रेड हेडेड होंगे लेकिन एडल्ट नहीं होंगे ओके या फिर वो चिल्ड्रन होंगे. तो यानी कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो केवल इन 24 पर्संस में ही है ओके. हमारा इंटरेस्ट केवल इन 24 पर्संस में है. तो रेड हेडेड प्लस चिल्ड्रन मिलाकर 24 पर्सन बनते हैं. डू यू एग्री और नॉट विद दिस कमेंट? यस यस सर यस सर. ठीक है तो फाइव ऑफ द गेस्ट आर एडल्ट्स हु डोंट हैव रेड हेयर. ठीक है उनको हमने अलग ही कर दिया है ओके. तो सर सर एक डाउट है. हाँ बोलो सर. जो 24 हमारे पास नंबर आए सर उसमें कुछ एडल्ट्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके रेड हेड ना हो. ओ एग्जैक्टली दैट इज वी मिस दिस पॉइंट. सर सबसे पहले हमें ये नहीं करना चाहिए था कि सर 29 में से सर 8 माइनस करते और सर चिल्ड्रन पहले हटा के सर फिर 21 बच जाते तो सर वो अडल्ट होते और अडल्ट में से सर हमें जो सिर्फ चाहिए सर 21 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो सर जो नंबर आएंगे हमारे पास सर वो आएंगे टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स विद रेड हेड. तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब सर जो गेस्ट वहां पे सर 17 है वहां पे तो सर 17 माइनस 16 1 होगा तो 8 माइनस सर मतलब एक एक जो सीधा सीधा आंसर वन होगा. ठीक है ठीक है ठीक है इट्स ओके. योर लॉजिक इज आल्सो फाइन. योर लॉजिक इज आल्सो फाइन. आई एम नॉट एनीथिंग. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल दिस लॉजिक ओके. तो नाउ आई एम डूइंग इट विद द सेम लॉजिक बट इन अ सम डिफरेंट वे ओके. तो लिसन इट वेरी केयरफुली. I am using the Venn diagram. Okay. So, the first thing is, मुझे ये नहीं पता कि रेड हेडेड में कितने ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे चिल्ड्रन हैं जो रेड हेडेड हैं. I do not know how many children are red headed. So, I simply call them X. I simply call them X. जो रेड हेडेड चिल्ड्रन हैं. ठीक है और टोटल रेड हेडेड कितने हैं 17. तो यहां पर मैंने लिखा 17 माइनस एक्स ओके. और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं दैट इज 8. तो मैंने यहां पर लिखा 8 माइनस एक्स. तो अगर मैं रेड हेडेड और चिल्ड्रन को ऐड करता हूं ओके. इफ आई सिंपली ऐड देम ओके तो व्हाट शुड बी द वैल्यू. लिसन दिस वेरी केयरफुली. 17 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स ओके. दीज आर द काउंट ऑफ रेड हेडेड एंड चिल्ड्रन ओके. रेड हेड एंड चिल्ड्रन. अब एक बात नोटिस करिए आपके पास फाइव गेस्ट ऐसे हैं जो एडल्ट हैं और जिनके पास रेड हेडेड नहीं है. अगर मैं सिंपली इसमें फाइव और ऐड कर दूंगा तो टोटल काउंट बन जाएगा 29. आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस. ठीक है तो रेड हेडेड प्लस चिल्ड्रन वो बन गया 17 माइनस एक्स प्लस एक्स. सर सर एक्स वो है ना जैसे जो चिल्ड्रन है और रेड हेडेड भी है. हाँ 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 दैट इज एक्स ओके. तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास देखिए कितना आएगा. मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 1. और यही हमारा यस सर. डू यू एग्री ऑर नॉट? ठीक है ओके. तो टाइम भी हो गया इसी प्रॉब्लम में. टाइम हो गया नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने का टाइम नहीं मिला. चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की. काउंटिंग अगर आप आती है तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी बन जाती है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ काउंटिंग. मतलब a single probability problem is equivalent to a couple of counting problem okay. oh no ye mere sath bahut badi galti ho gayi. yes aaj ye okay sir thank you sir good night sir. aaj main aapko iska notes nahi bhej paunga kyunki aaj maine isko galat jagah click kar diya okay. sir humne likh liye. chaliye theek hai bye. yes sir good evening sir. bye sir. bye sir. thank you sir. bye sir.
गुड नाइट एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन।